नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके ITI का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, क्लर्क पटवारी जो भी एग्जाम आते हैं उसमें ये चैप्टर रहता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जैसा फ्रेंड्स नाम में छुपा हुआ, प्रतिशत मतलब प्रतिशत एक के साथ में शत, यानी एक बटे सौ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रतिशत मतलब किसी के भी साथ सौ, जैसे हम कहें एक्स परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत मतलब प्रत्येक के साथ शत। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस सिंबल से सो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिवाइड का साइन होता है और ये दो डॉट हम लगा देते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया प्रतिशत, जैसे प्रति और आपका शत, शत हम बोलते हैं 100 को, प्रति बोलते हैं हम एक को, तो एक बटे सौ मतलब प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको ITI में या रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन कंबाइन जो कलेक्शन किया है, जो क्वेश्चन आपके ITI में भी पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थी, पैटर्न सेम था। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था रूट 400 का 20%। ठीक है फ्रेंड्स, उसने डायरेक्टली क्या यहां पे मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं किया था, उसने कहा था रूट 400 का 20%। ठीक है फ्रेंड्स, ये ITI 2016 का क्वेश्चन है, रूट 400 का 20%। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़े थे कि पहले आप इसका मतलब समझें, इससे हमें एक वैल्यू बाहर निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 20 × 20। ठीक है फ्रेंड्स, 20 × 20, और यहां पे हमने सीखा था क्या, का को हम बोलते हैं गुणा 20, और प्रतिशत का मतलब हमने क्या सीखा भी, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको धीरे धीरे सोल्व करते हैं, ये एक स्टेप में हो जाएगा, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 20 × 20, का की जगह पर गुणा का निशान, 20 प्रतिशत, मैंने कहा था ये सिंबल है प्रतिशत का, जिसका मतलब है बटे सौ। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था तो वहां पे हमने देखा था कि स्क्वायर रूट में दो में से एक बाहर ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 20, इस पूरे में से बाहर आ जाएगा 20 गुणा 20/100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे काट लीजिए, 25 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे कट जाएगा ये 4 times, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता था कि 20 का 20%। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है 20 का 20%, तब भी देखिए आपका आंसर सेम आएगा, 20 × 20/100। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 से 5 times कटेगा और ये 4 times कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4। ठीक फ्रेंड्स, दोनों साइड से आपका आंसर 4 आएगा। तो ये है परसेंटेज का एक सिंपल क्वेश्चन जो आपके यहां पूछा गया था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो आप आपका इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, 5 kg का 250 g कितने परसेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन उस तरह से है जैसे आपके 500 में समान लीजिए 300 या 400 मार्क्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपके 10th स्टैंडर्ड 500 का टोटल था और जिसमें से आपके मार्क्स आए 350, तो कितने परसेंटेज आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप जनरली करते रहते हैं इस तरह से। मान लीजिए टोटल आपके 500 मार्क्स थे 10th में एचएसबी क्लास में, उसमें से आपने जो अचीव किए वो 350 मार्क्स अचीव किए, तो आपको परसेंटेज निकालनी थी कितने परसेंट मार्क्स आए आपके। तो आप क्या करते हैं, कितने आपके मार्क्स आए, कितने में से आए, × 100। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ये देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 7, ये जो है 35 जाएगा 7 times और ये 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और आपका क्या बच गया, 70।
मतलब आपके मार्क्स कितने हो गए 70%। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, कोई नई चीज नहीं है। देखिए ये कह रहा 5 किलोग्राम का 250 ग्राम कितने परसेंट होगा, यानी 250 ग्राम आप ले रहे हो 5 किलोग्राम में से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो यूनिट है वो एक तरह की होनी चाहिए। यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, सबसे पहले आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको आपको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है। इसको मैं रब कर रहा हूं और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए फ्रेंड, या तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, आपको पता है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5000 ग्राम। अब क्वेश्चन पलट के देखिए दोस्तों, अभी हो गया 5000 ग्राम का जो 250 ग्राम है वो कितने परसेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से करना जैसे अभी आपने किया था परसेंटेज वाला। 250 ग्राम है कितने ग्राम में से, 5000 ग्राम में से, और आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनेगा 250 ग्राम है कितने में से, 5000 ग्राम में से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 5%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें याद रखने योग्य बात यही थी कि ये जो आपका किलोग्राम है यहाँ पे आपका ग्राम है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप इसको भी किलोग्राम बना देते हैं तो इसको ऐसे रहने देते तब भी आपका आंसर 5% किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर प्रतिशत निकालनी आपको। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था। देखिए यहाँ पे भी आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। आपको पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300 सेंटीमीटर, और ये है 60 सेंटीमीटर। तो आपका 60 सेंटीमीटर है कितने में से, 300 में से × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आपका जाएगा 20 टाइम्स। तो फ्रेंड्स आपका आंसर कितना हो जाएगा 20%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन मैं आपका लिख लिया ताकि आपका समय बच जाए। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार समझ लीजिए ठीक से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या वो संख्या में पता नहीं है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से करते जाइए। यदि किसी संख्या, हमें संख्या नहीं पता तो हमने उसको x मान लिया। यदि किसी संख्या के 75% में, यानी के 75% में मतलब गुणा 75%। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, यानी इस संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या कौन सी, जिसको आपने माना है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर आंसर में कुछ भी नहीं बचता, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 75% जोड़ा जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बन गई है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको देखिए 25 से आप डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्वेश्चन में क्या बच गई आपकी, 3x/5 = x। ठीक है फ्रेंड्स, x x वाली टर्म से एक तरफ ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका
एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x by 4 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 75। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 75। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3x माइनस 4x हो जाएगा माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू माइनस 75। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो हो जाएगा x इक्वल टू 300। 75 के मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जांच भी कर लेनी चाहिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों आपका x की वैल्यू आई है 300, आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो आपके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 300 ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, x यहाँ पे 300 आ जाएगा, उसको 75% कीजिए प्लस 75 कीजिए तो इक्वल टू आएगा आपका 300। इस तरह से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है परसेंटेज, प्रतिशत इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थोड़ा बस वो घुमा देगा आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है, 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। वो क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर रोकता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।